2023 में अगर आप अपना एक एजुकेशनल YouTube चैनल शुरू करने का सोच रहे हैं और पढ़ाना चाह रहे हैं अपने सब्जेक्ट को फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हैं कि टीचिंग वीडियोस को बनाया कैसे जाता है, इनके लिए किस तरह के सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है और जो लेक्चर वीडियोस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, देन वरी नॉट, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। अब लेक्चर वीडियोस बनाने के भी कई तरीके हैं, जिसमें सबसे आसान वाला होता है जो वाइट बोर्ड मेथड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में वाइट बोर्ड को रखते हैं, उस पर चीज़ों को लिखकर बताते हैं और रिकॉर्डिंग करने के लिए ट्राइपॉड के ऊपर हम अपने मोबाइल को प्लेस करते हैं और जिसमें हम लगाते हैं अपने कॉलर माइक को और फिर इन लेक्चर वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं। इनके लिए जो ओपन कैमरा एप्लीकेशन है उसको जनरली यूज़ किया जाता है। और किस तरह से इस तरह के वीडियोस जो हैं बनाए जाते हैं वो पूरी चीज़ों को मैंने कवर किया है इन वीडियोस में, आप इन्हें देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से जो प्रोफेशनल टीचिंग वीडियोस होते हैं उन्हें बनाया जाता है, जिनके लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ इक्विपमेंट्स की, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका लैपटॉप, जिस पर आप लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर लिखकर चीज़ों को बताएंगे। लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई भी एक सिंपल से पेन टैबलेट की, आप कोई भी जो बेसिक सा पेन टैबलेट आपके पास हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है कैमरा। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बजाय आप एक वेबकैम खरीदने के, जो आपका स्मार्टफोन है, जो आपका मोबाइल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कैमरा। लेकिन कैमरे में जो पिक्चर क्वालिटी होती है, वीडियो क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छी नहीं आती है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा एक और एप्लीकेशन, जो है एरियन वेबकैम या फिर ड्रॉइड कैम। इनमें से आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और इनकी हेल्प से आप अच्छे वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्हें कैसे यूज़ करना है, इनके लिए आप ये वाला जो वीडियो है इसे देख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप मोबाइल में इरियन एप्लीकेशन के साथ लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जो फोर्थ चीज़ है वो है ग्रीन स्क्रीन, जिसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपको जो बैकग्राउंड है उसको कम्प्लीटली रिमूव करना है तो फिर आपको ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर यूज़ करनी ही होगी। ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से सेटअप किया जाता है उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, कैसे जो लाइटिंग है उसका ध्यान दिया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हैं। लेकिन मैं आपको जो अभी मेरा सेटअप टूर है वो भी दिखाने वाली हूँ इन अ वाइल, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि किस तरह से जो लाइटिंग सेटअप होता है वो किया जाना चाहिए और किस तरह से ग्रीन स्क्रीन को सेटअप किया जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस स्टैंड के ऊपर मैंने लगाया है ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से स्ट्रेच करके, जिससे कि इस पर कोई भी रिंकल्स ना रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अम्ब्रेला लाइट्स मैंने यूज़ की हैं, जो कि फोकस कर रही हैं सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। और जो आपकी चेयर है वो कम से कम एक हाथ की दूरी पर हो स्क्रीन से, जिससे कि आपकी या आपकी चेयर की शेडो स्क्रीन पर ना पड़े, तभी आप क्रोमा की इफेक्ट को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे। फेस पर प्रॉपर लाइट आए इसके लिए आप अपने सामने एक रिंग लाइट प्लेस कर सकते हैं, जो सिर्फ आपके फेस पर फोकस करे। इसके साथ आप चाहें तो एक रूम ट्यूब लाइट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने पेन टैबलेट को कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप से और यहाँ पर जो वेबकैम है उसके जस्ट पैरेलल मैंने अपने फ़ोन के कैमरे को प्लेस किया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ देखने को ना मिले। और इस फ़ोन में हमने कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया है लैपटॉप से, क्योंकि इसमें हम एरियन एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, वही होगा हमारा वीडियो कैप्चर डिवाइस। ऑडियो के लिए हम माइक को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से, चाहे तो यहाँ पर आप कॉलर माइक कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यूएसबी माइक। अब यहाँ पर ये जो मोबाइल है इसे हमने किस तरह से प्लेस किया है, या तो आप इस तरह से गोरिल्ला ट्राइपॉड के ऊपर इसे प्लेस कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर दिस सीजर आर्म। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ करके यहाँ पर अपने कैमरे को, अपने मोबाइल को प्लेस कर सकते हैं। सामने से कुछ इस तरह का सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पीछे आपकी ग्रीन स्क्रीन है, साइड में आपकी दो अम्ब्रेला लाइट्स हैं, यहाँ पर आप बैठकर लेक्चर लेंगे और ये है आपका लैपटॉप, कैमरा, पेन टैबलेट और जो भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं लेक्चर लेने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक हार्डवेयर का सेटअप, जो सारे इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ये जो लेक्चर वीडियोज़ होंगे इन्हें हम बनाएंगे कहाँ। तो चलिए मैं आपको उसके लिए लेकर चलती हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज़ करना है वो है OBS स्टूडियो, जिसकी हेल्प से हम अपनी स्क्रीन को, कैमरे को, माइक को और वाइट बोर्ड को रिकॉर्ड करेंगे। OBS ओपन अप करने के बाद आपको जाना है टूल्स पर और यहाँ से सेलेक्ट करना है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड। ऑप्टिमाइज़ फॉर रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अप्लाई सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको
सोर्सेज में जो प्लस वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके डिस्प्ले कैप्चर सिलेक्ट करना है, जिससे कि आप अपनी पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पर ऑडियो इनपुट कैप्चर, जो है आपका माइक जिससे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ से आप अपने माइक को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तीसरी चीज़ जो हमें ऐड करना है वो है हमारा वाइट बोर्ड। तो इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन वाइट बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। अब स्क्रीन पर लिखने के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में और न्यू स्लाइड में जो ब्लैंक स्लाइड वाला ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे और हम जाएंगे OBS स्टूडियो पर और जो सोर्सेज में प्लस वाला आइकन है इसको क्लिक करके विंडो कैप्चर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पावर पॉइंट वाला जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर आपको कैप्चर कर्सर वाला जो ऑप्शन है इसे ज़रूर सिलेक्ट करिए। ये जो एडिशनल पोर्शन है इसको हम क्रॉप कर देंगे। उसके लिए जो ऑल टैब है उसको आप प्रेस करेंगे और जो बाकी पोर्शन है इस तरह से आप उसको ड्रैग करके रिमूव कर देंगे, जिससे कि जो आपकी मेन स्लाइड है सिर्फ वही आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो और वही आपके OBS स्टूडियो में रिकॉर्ड हो। अब इसके बाद आपको ऐड करना है अपना कैमरा। सोर्सेज में प्लस पर जाएंगे, वीडियो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर इरियन वेबकैम वाली एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट कर देना है और कर देना है ओके। अब जो बैकग्राउंड है उसको हमें रिमूव करना है, तो वीडियो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको फिल्टर्स वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अफेक्ट फिल्टर्स में प्लस पर जाएंगे, क्रोमा की वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, फिर भी अगर आप थोड़ा और अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो जो सिमिलैरिटी और स्मूदनेस है उसको थोड़ा सा आप चेंज करके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है और ये जो OBS है इसको हम कर देंगे मिनिमाइज और यहाँ से जो पावर पॉइंट वाला विंडो है इसको हम ओपन अप कर देंगे। तो अब इसमें हमको तो ये सारे टैब्स विजिबल हो रहे हैं, लेकिन OBS में ये सारे टैब्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। जो हमारी स्लाइड है सिर्फ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, रिव्यू टैब में स्टार्टिंग किंग पर हमने सेलेक्ट किया, पेन टूल हमने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर। अच्छा, अब जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो हो सकता है अंडू करने पर या इरेज करने पर जो आपका इंक पेन टूल है वो ऑटोमेटिकली पॉइंटर में सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं, क्या है, वो सारी मैंने इस वाले वीडियो में बताई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लेक्चर को स्मूदली क्रिएट करना चाहते हैं तो वो जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन स्लाइड्स पर कुछ लिखकर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और साइड में जो आपका फेस है वो विजिबल होगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज, इधर हम कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग और इस रिकॉर्डिंग को अगर हमें देखना है तो हमें जाना होगा फाइल में और शो रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई है, लेट्स प्ले दिस। लिखते वक्त आपको सारे टैब्स विजिबल थे, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ जो आप व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं वो दिख रहा है, आपका फेस दिख रहा है और कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो आपका प्रोफेशनल टीचिंग वीडियो है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, तो आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल टीचिंग वीडियोस को किस तरह से बनाया जाना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉसिबल डाउट्स थे मैंने उन्हें क्लियर करने की कोशिश की है, हर चीज़ को डिटेल में कवर किया है। इस कारण से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आई एम श्योर इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कहीं भी किसी भी स्टेप पर आप स्टक नहीं होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपना सपोर्ट शो करिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।